तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें खरीदेंगे। वैसे आज की जनरेशन के हिसाब से एक लड़की की बेसिक सी ख्वाहिश होती है कि उसे उसके पास एक KTM होनी चाहिए और एक आईफोन होना चाहिए। लेकिन ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा भरा हुआ है वो लोग क्या करते हैं, तो आप उस चीज़ को इस मूवी के इस सीन से समझ सकते हैं। ये अमरूद खाया था, अब ये कितने का है? 400 रुपये। तो आप इस मूवी के सीन को देखकर आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपने पैसे को किस तरह फिजूल की महंगी सी चीज़ों को खरीद कर अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। तो आपको बताएंगे सबसे महंगे टी बैग के बारे में, और सोने से बने मास्क के बारे में, और बताएंगे आपको गोल्डन स्टेपलर पिंस के बारे में, आपको बताएंगे ऐसे ही वर्ल्ड की 10 मोस्ट एक्सपेंसिव यूजलेस थिंग्स के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रियांशु साहू और आप देख रहे हैं साहू जी इन्फॉर्मेशन। देंगे थोड़ी सी नई थोड़ी सी पुरानी इन्फॉर्मेशन। लेट्स बिगिन। डायमंड टी बैग। आप में से बहुत से लोगों ने स्टेशन पर या अपने घरों में ही टी बैग से चाय जरूर पी होगी, लेकिन उस टी बैग की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, 5 से 10 रुपये या 15 से 20 रुपये। लेकिन क्या हो अगर एक टी बैग की कीमत $10,400 हो गया ना हैरान। दरअसल 2005 में बुडलेस ज्वेलर्स नाम की ज्वेलर्स कंपनी ने एक टी बैग बनाया, वो भी 280 हीरो से ढका हुआ, जिसकी कीमत थी $10,400। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे आखिर इतने महंगे टी बैग बनाने की जरूरत क्या थी। दरअसल इस टी बैग को पीजी टिप्स जो कि एक चाय कंपनी है उसकी 75 एनिवर्सरी पर बनाया गया था। लेकिन इस टी बैग को बनाने का मेन मोटिव यह था कि इस टी बैग को बेचकर गरीब बच्चों के लिए अस्पताल बनाने के लिए पैसे जुटाए जा सकें। भले ही इस टी बैग को बनाने के पीछे कारण काफ़ी अच्छा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मामूली से टी बैग के लिए 10,400 रुपये खर्चा करने चाहिए। गोल्डन टॉयलेट पेपर। तो दोस्तों अब मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं देना चाहता। हाँ मुझे भी पता है कि टॉयलेट पेपर ज़िंदगी में काफ़ी अहम रोल निभाता है और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं कि उसके लिए 13,76,900 रुपये चुकाए जाएँ। एक टॉयलेट पेपर मैन नाम की ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने 2012 में 24 करोड़ प्योर गोल्ड से गोल्डन टॉयलेट पेपर तैयार किया और उसे अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया। और उन्होंने कैप्शन में यह लिखा कि यदि आप इस 22 करोड़ गोल्ड से बने टॉयलेट पेपर को खरीदते हैं तो आपके टॉयलेट में सोने के गुच्छे गिरेंगे। और इस टॉयलेट पेपर के रोल को जो भी खरीदता है उसको उस टॉयलेट पेपर के साथ एक शैंपियन की बोतल भी दी जाती है। और हाँ, देनी भी क्यों नहीं चाहिए। जो जो व्यक्ति इतने ज़्यादा पैसे एक टॉयलेट पेपर पर खर्चा करेगा उसके बाद उसे दारू पीने की जरूरत जरूरी पड़ेगी। सोना चढ़ाया हुआ स्टेपलर पिन। तो गाइज क्या आपने कभी अपने डॉक्यूमेंट्स में स्टेपलर पिन लगाई? और लगाई होगी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या ऐसे घर में आपने स्टेपलर पिन जरूर लगाई होगी। पर क्या उस स्टेपलर पिन को लगाते वक्त क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया, काश ये स्टेपलर पिन सोने के होते? नहीं ना, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं। आखिर स्टेपलर पिन को सोने से होने कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन नहीं, इस बारे में हम आप भले ही ना सोचें, लेकिन डच डिज़ाइन हाउस ओम्स ने ये सोच लिया है। जी हाँ, दरअसल उन्होंने सोने से बने हुए स्टेपलर पिंस बनाए हैं और 14 स्टेपलर पिंस के एक बॉक्स के लिए आपको पूरे $72 चुकाने होंगे। लेकिन उनकी साइट के अनुसार इन स्टेपलर पिंस को दस्तावेजों पर नहीं बल्कि कपड़ों में लगाने के काम में लाया जाता है। लेकिन एक मिनट, कपड़ों में स्टेपलर कौन लगाता है यार? लग्जरी आइस क्यूब। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। तो क्या कीजिए, आप अपने 4-5 पियखड़ दोस्तों को बुलाइए और इस लग्जरी आइस क्यूब को खरीदिए और अपने पैसों को दारू के गिलास में पिघलते हुए आराम से देखिए। अब आप लोग सोच रहे हो मैं ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहा हूँ। दरअसल कैलिफोर्निया में स्थित ग्लास लग्जरी आइस क्यूब नाम की एक कंपनी है जो एक काफ़ी स्पेसिफिक टाइप की आइस क्यूब बेचती है। ये आइस क्यूब बाकी आइस क्यूब से ज़्यादा देर तक ठंडी, यानी आपकी वाइन या फिर अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पीते हैं उसको काफ़ी देर तक ठंडा रखेगी और यह नॉर्मल आइस क्यूब के मुकाबले काफ़ी देर में पिघलती है। लेकिन आपको 50 पीस आइस क्यूब के बदले में $375 चुकाने होंगे। कोई पैसे ही वाला होगा जो इस आइस क्यूब के बदले में इतने सारे पैसे देगा, इतने में तो एक नया फ्रिज आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। डायमंड कॉन्टेक्ट लेंस। तो गाइस ये जो चीज़ है आपको पक्का हैरान कर देगी। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी आंखें होती हैं ये हमारी बॉडी का काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। तो हमारी आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि आजकल लोगों की आंखें बहुत जल्दी इफेक्टिव हो रही हैं, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो और यूज़ करते हैं और कंप्यूटर्स वगैरह का भी यूज़ काफ़ी हो गया है। इसकी वजह से लोगों की आँखें बहुत डिफेक्टिव हो रही हैं। तो अपनी आँखों को सुरक्षित रखने के लिए वो लोग चश्मे का यूज़ करते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा चश्मे नहीं पहन सकते,
तो वो लोग अपनी आंखों के लिए कॉन्टेक्ट लेंस बनवाते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, अगर वो भी हमारी तरह कॉन्टेक्ट लेंस या चश्मे यूज़ करेंगे तो उनमें और हमारे में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचेगा। अगर उनमें और हमें कोई डिफरेंस नहीं बचेगा तो वो लोग अपनी अमीरियत दिखाएंगे कैसे? उन जैसे लोगों के लिए इंडियन ऑप्टोमेट्रिस्ट चंद्रशेखर चौहान जी ने गोल्ड और हीरे जड़े हुए आई कॉन्टेक्ट लेंस तैयार किए हैं, जिनके लिए आप $15,000 चुकाने होंगे। और उन्होंने लगभग एक या दो पीस नहीं, लगभग 4,000 पीस अपने इस डायमंड और गोल्ड के आई कॉन्टेक्ट लेंस की तैयार किए हैं। शायद उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि जो अमीर लोग हैं ज़रूर इन पर अपना पैसा वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास इतना पैसा हो तो क्या आप इन लेंसेज पर अपना पैसा वेस्ट करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। गोल्डन COVID-19 मास्क। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं और किसी न किसी के मुँह से जरूर सुना होगा शौक बड़ी चीज़ है। ये उदाहरण इन भाई साहब के ऊपर एकदम फिट बैठता है। पुणे में रहने वाले शंकर कुराडे जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये हमेशा अपने आप को सोने से कवर रखते हैं क्योंकि इन्हें सोना पहनना बहुत पसंद है। आप इनके गले की मोटी मोटी चैन और इनके हाथ की उंगलियों में भरी हुई अंगूठियां और हाथ का ब्रेसलेट देखकर आप समझ गए होंगे सोने को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जैसे कि पिछले 2 साल से कोरोना ने भारत में तबाही मचा रखी है, तो उस टाइम पर जब लोगों को 10 से 20 रुपये के मास्क पहनने के लाले पड़े हुए थे, तो इन भाई साहब ने क्या किया, 2.89 लाख रुपए खर्च करके अपने लिए सोने का मास्क बनवाया। और उन जब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आप कपड़े का मास्क क्यों नहीं यूज़ करते, तो इन्होंने कहा कि मुझे कपड़ों के मास्क पर भरोसा नहीं है। अब भले ये कितने ही बहाने बनाए, लेकिन इसे साफ जाहिर होता है कि ये सोना पहनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डायमंड एंड रूबी पेन। तो भाई पेन तो अब हर किसी के पास होता है और जरूरी चीज़ भी, छोटे मोटे कामों में, किसी का एड्रेस फ़ोन नंबर लिखने में आपको पेन काफ़ी सहायता करता है। हाँ, भले ही अब स्मार्टफोन का ज़माना हो गया, लेकिन पेन फिर भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी इंपॉर्टेंस देती है। जिससे अगर आप एकदम फिट फाट हैं और अगर अपने कोट में एक पेन लगाकर चलते हैं तो लोग आपको काफ़ी पढ़ा लिखा समझते हैं। नॉर्मल लिखने के लिए हम पेन 5 से 10 रुपये वाला यूज़ करते हैं, और अगर इसे कोट से शो ऑफ करने के लिए ज़्यादा से 50 से 60 रुपये, अगर किसी को गिफ्ट करना हो तो 100 से 200 रुपये का, मान लीजिए 400-500 रुपये का, इससे ज़्यादा क्या ही होगी। लेकिन क्या हो अगर पेन की कीमत $95,000 हो? जी हाँ, ये जो पेन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पेन पूरी तरह डायमंड और रूबी से बनाया गया। इसकी बॉडी प्लेटिनम से बनाई गई है और इसके ऊपर रूबी और डायमंड की लेयर चढ़ाई गई है, और इस पेन की कीमत पूरे $95,000 है। लेकिन इतना महंगा होने के बाद भी इसका काम उतना ही है जो एक 5 से 10 रुपये वाले पेन का होता है। और ना ही इस पेन से लिखने से आपकी हैंड राइटिंग एक कंप्यूटर के फॉन्ट की तरह हो जाएगी। गोल्ड एंड डायमंड क्रिकेट बॉल। तो अब बारी है हमारे वीडियो की सबसे लास्ट फिजूल खर्ची के बारे में। अगर आप क्रिकेट के जरा से भी शौकीन होंगे तो आपने क्रिकेट बॉल जरूर खरीदी होगी। गीतांजलि जेम्स लिमिटेड कंपनी ने इंडियन क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए एक गोल्ड और हीरे से कवर्ड क्रिकेट बॉल तैयार की जिसकी कीमत $15,000 है। और मुझे नहीं लगता इस बॉल से कोई क्रिकेट खेल पाएगा, हमेशा तिजोरी में बंद करके ये रखा जाएगा। हाँ, ये बात कुछ सही है कि इंडिया के क्रिकेट इंडिया के इंडियन क्रिकेटर को जितना ज़्यादा सपोर्ट किया उतना कम है, लेकिन इस तरह की फिजूल खर्ची से सपोर्ट करना मुझे नहीं लगता सही बात है। नाउ इट्स टाइम टू बोनस फैक्ट। तो पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज में जो आप बिस्किट देख रहे हैं कोई नॉर्मल बिस्किट नहीं है, यह वो बिस्किट है जो टाइटैनिक जहाज में इकलौता सही सलामत बिस्किट बचा था। अब आज हमने आपको इतनी महंगी महंगी चीज़ों के बारे में बताया है तो ये कैसे पीछे रह जाता। ये बिस्किट जो आप देख रहे हैं ये टाइटैनिक जहाज में एकदम सही सलामत बचा था, बाद में इसे नीलाम किया गया और इस बिस्किट को $23,000 में बेचा गया। इसी के साथ ये बिस्किट दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला बिस्किट बन गया। तो गाइज आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर देना। इसी अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।